अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें आपको फाइनेंस के बारे में बता रहे थे कि भाई फाइनेंस जो है वो उसका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा मसला है, एक्सेस टू फाइनेंस। फाइनेंस हासिल करना ये इनके लिए, फाइनेंस की जो एक्सेस है वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। फाइनेंस हासिल करना ये इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टेंट इन ग्रोथ ऑफ एसएमईज, लंबे अरसे तक अगर एसएमईज को जारी रखना है, इसको ग्रो करना है, तो उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है? फाइनेंस है। ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, अगर आपको नई प्रोडक्ट्स हैं आपने बनाई हैं वो आपको डेवलप कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए भी फाइनेंस आपको चाहिए। ठीक है। एसएमईज इन पाकिस्तान आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एक्सेस फाइनेंस, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ एसएमईज। देखिए, अब इसमें बताया हुआ है कि क्या वजह है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में एसएमईज को फाइनेंस करने से अवॉइड करते हैं, ग्रेस करते हैं। व्हाट आर द रीजंस व्हाई कमर्शियल बैंक्स डू नॉट फाइनेंस एसएमईज इन पाकिस्तान? दे फिल द गैप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थ्रू सिंडिकेट फाइनेंसिंग एंड कंसोर्शियम। अब ये दो जो है ना वो फाइनेंसिंग की टाइप्स होती हैं। सिंडिकेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि फाइनेंसिंग इन ग्रुप्स, क्या करते हैं, बैंक्स के ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। अब वो ग्रुप जो है वो ग्रुपिंग आपकी फॉरेन कंट्रीज वालों से भी हो सकती है, फॉरेन कंट्रीज के बैंक से भी हो सकती है, और आपके डोमेस्टिकली बैंक से भी हो सकती है, यानी आपके कंट्री के बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकती है। दे ज्वाइन हैंड्स एंड दे डिसाइडेड टू बोरो अ सिंगल लेंडर, अ सिंगल बोरोअर, सॉरी, सारे लेंडर्स ज्वाइन हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं, और वो उनका जो है ना वो एक प्रोजेक्ट होता है जिसको या तो कंसोर्शियम फाइनेंसिंग है या वो, ठीक है। अब वो किस लिए हैंड्स ज्वाइन करते हैं कि या तो उनको कंसोर्शियम फाइनेंसिंग करनी होती है। कंसोर्शियम का मतलब है कि किसी एक ऑपरेशन में, किसी एक वेंचर में मिलके फाइनेंस करना। वेंचर यानी कि प्रोडक्ट में, किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक प्रोजेक्ट में, किसी एक पर्पस में, कोई एक टारगेट है उनका, सिमिलर टारगेट है जिसको अचीव करने के लिए उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं और उसको जो है वो जॉइंटली अचीव करना चाहते हैं, तो उसको कंसोर्शियम फाइनेंसिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर वो हैंड्स इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक सिंगल बोरोअर को फाइनेंस करें, यानी एक कोई गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए अगर, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो कमर्शियल बैंक से अपील की है बोरोइंग करनी है उनको कमर्शियल बैंक से, तो सारे कमर्शियल बैंक्स ने हैंड्स ज्वाइन कर लिए और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, मिल के फाइनेंस कर रहे हैं। दैट इज सिंडिकेट फाइनेंसिंग। तो टू टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग आपको बताई है, एक सिंडिकेट फाइनेंसिंग जिसमें वो एक सिंगल बोरोअर को फाइनेंस कर रहे हैं, और कंसोर्शियम फाइनेंसिंग जिसमें क्या कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पर मिलके काम कर रहे हैं, सारे जो लेंडर हैं वो किसी एक प्रोजेक्ट में मिलके काम कर रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए, उस वेंचर को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मिलके काम करना है। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, बॉन्ड मार्केट में लगा देते हैं, या फिर डीएफआई हैं,
While big financing in developed countries through investment banking, including merchant banking and bond market. या जो डेवलप कंट्रीज होते हैं अमेरिका वगैरह वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं मर्चेंट बैंकिंग में बॉन्ड मार्केट्स में बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वजह है कि वो एसएमईज को नहीं देते हैं। अच्छा, अब एक मिनट के लिए आप होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, अब इसमें जो है वो बताया हुआ है कि ये जो फाइनेंस की एक्सेस है, इसके बहुत सारे फैसे हैं, ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। अब ये मल्टी फैसेटेड किस तरीके से है, देखिए हम पीछे ये पढ़ रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो एसएमईज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? एक तो सिंडिकेट फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, कंसोर्शियम फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, या बॉन्ड मार्केट्स वगैरह में और डेवलप कंट्रीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंडिकेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मिलकर वो किसी एक बोरोवर को फाइनेंस कर रहे हैं। यानी कोई एक जो है ना वो सिंगल बोरोवर है जिनको डेट चाहिए, तो वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं। एक मिलके जो है वो एक को क्रेडिट दे रहे हैं। यानी अगर कोई गवर्नमेंट है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसको पैसों की जरूरत है तो उसको कर्ज दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज सिंडिकेट फाइनेंसिंग। और कंसोर्शियम फाइनेंसिंग कहते हैं कि मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट पर काम करना। ठीक है ना, तो इसीलिए वो एसएमईज पर काम नहीं करते हैं, वो बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो लार्ज कंपनीज, लार्ज स्केल कंपनीज जिनको जो बॉन्ड इश्यू करती हैं, डिबेंचर्स इश्यू करती हैं, उनके बॉन्ड्स और डिबेंचर खरीद के उनको फाइनेंस कर लेते हैं, उनको कर्ज दे देते हैं, डेट की सहूलियात उनको देते हैं, लेकिन एसएमईज पे वो रिलाय नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज उनको ये खदशा होता है कि एसएमईज पे अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो उनको वापस आएगी या नहीं आएगी, और एसएमईज कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो इन खदशात की बुनियाद पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं एसएमईज में। अब ये जो फाइनेंस का मसला फिर आता है, इसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। क्या मसले होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले होते हैं, टैक्स के इश्यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं, बैंकिंग सेक्टर इश्यूज हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, और लीगल फ्रेमवर्क है, ये भी इश्यूज हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, और इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो ये सारे इसके जो है ना वो मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, लेक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल। अब क्यों फाइनेंस उसको नहीं मिलता है, एसएमईस को फाइनेंशियल मसले क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल पे उसको जो है ना वो सपोर्ट हासिल नहीं है। ठीक है, यानी बैंकर्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, कमर्शियल बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पर भी नहीं है, और एसएमई लेवल पर भी सब जो है ना वो आपस में क्या है, एसएमई लेवल पर आपस में एक इनका जॉइंटली ग्रुप नहीं है, तो इसी वजह से इनको फाइनेंशियल जो है ना वो सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें इसमें क्या है। गवर्नमेंट लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। लीगल फ्रेमवर्क तो है एसएमईज के लिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और टैक्सेशन का बर्डन होता है एसएमईज पर, और लार्ज स्केल लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस रेगुलेशंस होते हैं ऑन द ग्राउंड, रियलिटी ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी कि एसएमईज की जो रियलिटीज होती हैं, जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैच नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मसले हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सहूलियात हैं जो एसएमईज के लिए सही तरीके से इनको अवेलेबल नहीं है। रियल चैलेंज
how can we improve access to finance for SMEs? SMEs के लिए किस तरीके से फाइनेंस की एक्सेस को बेहतर बनाया जा सकता है, कैपिटल उनका किस तरीके से रेज हो सकता है, अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द प्रॉब्लम। एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिसमें जो प्रोसेस है, जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो SMEs हैं, वो सब आपस में इंटीग्रेटेड हों, इन सब आपस में लिंक करते हों, उनका एक सिस्टम हो, एक प्लेटफॉर्म हो। Reduce the administrative burden of SMEs. Administrative burden का मतलब है taxes का burden इस पर कम करना चाहिए। Government की तरफ से जो burden है policies का, taxes का, वो उनके लिए relaxation वाला होना चाहिए, ठीक है। Work on changing the culture of government organizations. अब government की जो organizations होती हैं, उसका भी कुछ कल्चर चेंज होना चाहिए। वर्क ऑन चेंजिंग कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस का जो कल्चर है वो भी चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले जो है ना वो देखें कि क्या उनके मसाइल हैं ऑन द ग्राउंड, यानी कि रियल ग्राउंड्स पर उनके मसलों को एनालिसिस करें, SMEs के प्रॉब्लम्स को देखें, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। Simplification of taxes. It is suggested that one window services should be provided besides addressing the issues with regard to employees, old age benefit institute and social security. Employees जो होते हैं उनके लिए old age benefits institute और social security के जो benefits होते हैं ये सब वन विंडो होने चाहिए। दिस शुड मर्ज इनटू सेल टैक्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाइंग द टैक्स प्रोसीजर। अच्छा, अगर टैक्स के प्रोसीजर को जो है ना वो आपने सिंपल करना है, टैक्स के प्रोसीजर को सही करना है, तो जो सेल्स टैक्स होता है उसमें जो है ना आपको क्या करना चाहिए, सारे टैक्सेस आपको मर्ज करने चाहिए, अलग अलग टैक्सेस को चार्ज नहीं करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ फंड्स, इट इज सजेस्टेड दैट रोल ऑफ बिजनेस सपोर्ट फंड BSF, कंपेटिटिव सपोर्ट फंड शुड बी मेड सपोर्टिव एंड एक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ ग्रांट टू SME सेक्टर। अब ये फंड्स होते हैं BSF फंड यानी बिजनेस सपोर्ट फंड और कंपेटिटिव सपोर्ट फंड। ये जो फंड्स हैं ये एक्टिव होने चाहिए। ये एक किस्म के फंड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बिजनेस सपोर्ट फंड, कंपेटिटिव सपोर्ट फंड। ये SMEDA का नाम अगर आपने सुना हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अथॉरिटी, तो इस एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो SMEDA की तरफ से भी जो है ना वो काफ़ी फंड प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो कि SMEs में एंटर होने चाहते हैं। तो ये भी एक किस्म के इसी तरीके से फंड है, बिजनेस सपोर्ट फंड है, कंपेटिटिव सपोर्ट फंड है। और द प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुड बी इनकरेज इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स ऑफ अबव मेंशनड ऑर्गेनाइजेशंस। कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज करना चाहिए रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स ऑफ अबव मेंशनड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट फंड्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को इस सिलसिले में इनकरेज करना चाहिए कि इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक माशरती जिम्मेदारी के तौर पे वो इन फंड्स में जो है वो हिस्सा लें, इन फंड्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें क्या करें, इसमें अपना हिस्सा डालें, इसमें अपना शेयर डालें और बिजनेस सपोर्ट फंड, कंपेटिटिव सपोर्ट फंड को इनकरेज करें। इससे क्या होगा कि जो SMEs हैं उसको भी सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट लेवल पे, सोशल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, हर तरीके से उसको सपोर्ट हासिल होगी, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट्स अ प्रीफर्ड सेक्टर्स फॉर SME फाइनेंसिंग। अब ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं
उनके लिए बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना वो सेक्टर्स को फाइनेंस किया जाए, किस सेक्टर में फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो गुड्स होती हैं, वो तमाम गुड्स जो बाहर जाती हैं, बाहर मुल्कों में जाती हैं, तो उन गुड्स पे फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, लार्जली यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी के लिए, रिसोर्सेस के लिए, चॉइसेस ऑफ सब सेक्टर्स विद इन ईच इंडस्ट्रीज। हर इंडस्ट्री में कुछ सब सेक्टर होते हैं, कुछ जमनी जो है ना वो सनअतें होती हैं जो नीचे काम कर रही होती हैं। अब ये जो सब सेक्टर होते हैं उसमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सर्विसिंग टू मीडियम लार्जर कॉटेज हेरिटेज इंडस्ट्रीज। अब ये जो कॉटेज टाइप इंडस्ट्रीज होती हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, हेरिटेज की इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है। मार्केटिंग फॉर एसएमई लोन्स। रिलक्टेंस ऑफ एसएमई सीक बैंक फाइनेंसिंग डिस्पाइट एबिलिटी टू मीट क्रेडिट क्राइटेरिया। अब क्रेडिट का जो क्राइटेरिया है वो अगर एसएमई पूरा करते भी हैं तो भी बैंक उनको फाइनेंस नहीं करते हैं। नीड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ डिसायबिलिटी फॉर एन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटीज हैं, फाइनेंसिंग की जो अवेलेबिलिटी है, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज की जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि फाइनेंस उनको मिल रहा है, क्रेडिट उनको मिल रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए उसकी नीड पहले तो आपको पता होनी चाहिए। एसएमईज को पहले उसकी नीड पता होनी चाहिए कि इनको फाइनेंस चाहिए, इनको नई जगह पर नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नीड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ डिसायरेबिलिटी फॉर एन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज का मतलब ये है कि एक तो एसएमईज को खुद पता होना चाहिए कि उनको फाइनेंस की नीड है, और दूसरी जो है ना वो जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, उनको उनमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये डिजर्व कर रहे हैं तो उनको फाइनेंस करना चाहिए। प्रॉपर पैकेजिंग मार्केटिंग ऑफ एसएमई फाइनेंसिंग प्रपोजल्स। अब ये फाइनेंसिंग की ही बात की जा रही है, आगे भी आप देखें अवेलेबल ऑफ फाइनेंसिंग एट अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स। फाइनेंसिंग में भी अवेलेबल एट द रेट ऑफ मार्कअप इक्विवेलेंट टू कॉरपोरेट सेक्टर। अब जो लार्ज स्केल कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं तो उसी रेट पर जो है ना वो कर सकते हैं, एसएमईज को भी फाइनेंस कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में टेक द बर्डन ऑफ एक्सेस मार्कअप आउट ऑफ दिस फंड। अब जो एक्सेस मार्कअप है वो एक्सेस जो इंटरेस्ट है जो एसएमई पे करेंगे उसका जो बर्डन है वो फिर गवर्नमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बैंक मस्ट बी डायरेक्टेड टू डेवलप इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज मे बी डेवलप कीपिंग इन व्यू द इंडस्ट्रीज ऑफ द एरिया लाइक सर्जिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस करें, जिस प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज हैं उस पे फोकस करें, ताकि उसमें ना सिर्फ ये कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हों बल्कि जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी फिर आपको जो है ना वो सपोर्ट करने में, उस एक प्रोडक्ट को, उस एक वेंचर को सपोर्ट करने में अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये एसएमईज का जो है ना वो खत्म हुआ। अब आप देखें एसएमईज के बाद, अच्छा ये एक स्मेडा का पेपर है, इसमें जो है ना वो पूरी पॉलिसीज वगैरह और इश्यूज वगैरह बताए हुए हैं एसएमईज के अच्छे खासे, कि एसएमईज को शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कौन से इश्यूज होते हैं जो एसएमईज को देखने पड़ते हैं। अच्छा ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो लिटरेचर होगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहेगा पेपर्स वगैरह में एसएमईज के लिहाज से। देखिए इसकी इंडेक्स में बेसिक सिचुएशन बताई हुई है, एसएमईज का स्टेटस बताया हुआ है, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इश्यूज हैं कुछ वो भी बताए हुए हैं। ठीक है,
तो अगर तीसवें सेशन में हमें टाइम मिला तो हम इसको देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख लें कि कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या हैं। जी जलाल अहमद, आपने हैंड रेस किया है। जी मैम, असल में ये आप हम पढ़ लेंगे, हमें मसला नहीं है, लेकिन मैम बहुत ज्यादा है, अगर दिमाग में रखा जाए तो मैम इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बता दिया करें मैम। बहुत ज्यादा क्या सिलेबस बहुत ज्यादा है ये कहना चाह रहे हैं आप कि जी मैम, अब। एक एक चैप्टर में तकरीबन 27-28 अच्छा पेजेस देखें, ये जो के पीडीएफ सिलेबस है सब्जेक्ट। ना, ये जो सिलेबस है ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। मैं अभी आप अभी तक आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो सब कुछ जो है ना, मुझे कोर्स आउटलाइन और वीक बाय वीक प्लेनर बना के उन्होंने दिया है कि हर वीक में इतना कवर होना चाहिए। तो कोशिश हमारी यही है कि वो जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसको हम 100% फॉलो करें, ठीक है। तो ये ओके मैम, सिलेबस। जी मेरे फरमाइए। कहने का मतलब ये ठीक कि हम पढ़ लेंगे, मुझे हमें वो इशू नहीं है, लेकिन एक एक पीडीएफ में तकरीबन 27-28 पेजेस, 10 पेजेस इतना तक होता है, तो उन इसमें पेजेस सबको हैं, माइंड में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी मैम 10 होते हैं, कभी 27 पेजेस होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी तो इस देखिए तरह इसका वेबसाइट तरीका से ये कैसे होता पढ़ा है जाए। कि ये जो 27-28 पेजेस होते हैं, 27-28 तो 27-28 किसमें थे? मैम है सत्ताईस वो फूड अट्ठाईस तो किसी में सिक्योरिटी भी वाले में भी पेजेस तो नहीं थे। काफी है, मेरे ख्याल में आठ और दस ऐसे पेजेस वाले दिए हैं मैंने आपको। मैम अभी जो आप दिखा रही थी उसमें तो 27 थे, मैं वो देख के थोड़ा डर लेकिन भी मैं गया। देखती हूँ असल में, देखें तरीका ये होता है फिर पढ़ने का कि जो 27-28 अगर पेजेस हैं ना, देखें इसमें पेजेस हैं, हाँ इसमें तो 27 हैं, ठीक है। लेकिन फिर जो पेजेस ज्यादा होते हैं ना, फिर इसका तरीका ये होता है कि अब ये इश्यूज हैं, मैंने आपको बता दिए कि भाई ये इश्यूज हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इश्यूज को फोकस करें। इश्यूज में आप देखें कि इश्यूज में क्या बताया हुआ है। अब देखें इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं पेज 5 से और लॉन्ग टर्म इश्यूज को मिला के 19 तक 19 पेज तक जा रहे हैं। अब उसके बाद ये जो है इसको आप इसमें एसएमई पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको छोड़ दें आप, ये सिर्फ जो इश्यूज हैं एसएमईज के इस पे फोकस करें, ठीक है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं यानी कि प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को रीड करके उनकी समरी करना, उनको जो है ना वो अपने माइंड में रखना कि ये भाई प्रॉब्लम्स हैं इनकी, तो उनको पॉइंट आउट कर लेना, एक अलग पेज पे आप उनको लिख लें। अब देखें ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसलिए आपको मटेरियल जो है ना वो ऐसे दिया जा रहा है, तो इसी बुक्स वगैरह भी नहीं है या लिटरेचर नहीं है या नोट्स नहीं है जो आपको ऑन हैंड दे दिया जाए। तो जो लिटरेचर ऑनलाइन रिलायबल मिल रहा है वो आपको दे रहे हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इश्यूज हैं इनको पढ़ के आप इनको पॉइंट आउट कर लें, और फिर अगर पेपर में आते हैं इश्यूज तो इश्यूज में आप 2 to 3 sentences हर हेडिंग में अगर आप लिख लें, दैट इज इनफ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बस ये है कि अगर कोई फाइल ज्यादा पेजेस की है तो उसको पढ़ के उसकी समरी कर लें, ठीक है, उसकी समरी कर लें और उसमें जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको नोट कर लें, हाईलाइट कर लें, ये तरीका होता है। ओके अच्छा उसके बाद एनीवेज मेरी कोशिश होगी कि पेपर से पहले आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो बता दूं, ठीक है, ताकि कुछ आपको आसानी हो जाए। जो ओके मैम, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। अभी आपकी जो पेपर्स हैं उसमें 2 weeks हैं, 2 week के बाद अभी 6 week चल रहा है ये, तो 6 week के बाद ये 6 week है, ये 5 है, 5 week चल रहा है, हाँ। उसके बाद 6, 7 2 weeks हैं, 2 weeks के बाद 8 week में जो है ना वो आपके मिड टर्म है, तो मिड टर्म से पहले इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे
उसके बारे में आपको थोड़ी सी गाइडेंस हम दे देंगे तो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है ना। अ कॉटेज ओके मैम। इंडस्ट्री, अब कॉटेज के बारे में आ जाए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। कॉटेज इंडस्ट्री इज नोन एज अ स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज बिजनेस। अब क्या इसमें फर्क है? आप कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में। कितने हैं यहाँ पर? 7 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तादाद बढ़ गई। 7 स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं कॉटेज इंडस्ट्री जो है उस क्या मतलब है इसका? डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं? क्या होती है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, क्या फर्क होता है बताएं? कोई आइडिया है? अच्छा, नो मैम, जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा। जी नहीं है आइडिया? हेलो, आपको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आप सबको हेलो आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? वही, एक तो होती है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब कंट्रोल जो है वो पूरा कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। यानी के कंट्रोल एक तरफ हो और सबको कंट्रोल की तरफ से, कंट्रोल लाइन की तरफ से ऑर्डर्स दें, और उसके बाद एम्प्लॉयज का काम है कि उन ऑर्डर्स को फॉलो करें। ये कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसमें सिस्टम का जो पूरा सिस्टम होता है उसका फोकस होता है, ठीक है। सिस्टम को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको पार्टीशन नहीं करनी है, ड्यूटीज को आपने जो है ना वो तकसीम नहीं करना है। बल्कि मिसाल ले लें कि भाई आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी का आपका जो बॉस है आप उससे लिंक करते हैं डायरेक्ट। आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई नहीं है, आपका ताल्लुक डायरेक्ट बॉस से है। बॉस के पास सारी इख्तियारात हैं, वो आपको सारे ऑर्डर्स देता है और उसको आप फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं जिसमें जो ड्यूटीज होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो डिलीवर कर दी जाती हैं मैनेजर्स को, और अपने से नीचे जो है ना वो अहदेदारान को इख्तियारात दे दिए जाते हैं। फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं, वो ऑर्डर आगे देते हैं एम्प्लॉयज को, फिर काम होता है। तो दो सिस्टम हो गए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कॉटेज इंडस्ट्री इज अ वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। घर पे कोई काम स्टार्ट करना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, और ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी बनाना, और पार्लर्स वगैरह जो आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, जैसे पार्लर वगैरह। और इसके अलावा आप इसकी क्या एग्जांपल लेंगे, जैसे सिलाई सेंटर होता है, सिलाई सेंटर में खवातीन जो है वो काम कर रही हैं जाके, और ट्यूशन सेंटर हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पुट इन टू देम एंड देयर फोकस इज ऑन लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोडक्शन। अब इसमें जो पूरा फोकस होता है ना, वो फोकस कहाँ पे होता है कि लेबर जो गुड्स बना रहे हैं उस पर सारा फोकस होता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्लेज एन एसेंशियल रोल इन डेवेलपिंग कंट्रीज। पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज होते हैं इसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हिस्ट्री के बारे में क्या है? इन एंशंट टाइम्स रूरल फैमिलीज वर मोस्टली इन्वॉल्व इन कॉटेज इंडस्ट्रीज। रूरल फैमिलीज आर दोज फैमिलीज विच आर लिविंग इन विलेजेस, इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चरल एरियाज एंड डेजर्ट्स। अब ऐसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, देहाती कस्बों वाले इलाकों में, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज से होता है। घर पे बनी हुई चीजें बना के वो बाहर जो है ना वो सेल करते हैं। आप देखें, जब आप सिंध वगैरह के इंटीरियर सिंध वगैरह में अगर आप जाएं, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी जो हाथ से बनी हुई होती हैं, जैसे हाथ से बने हुए पंखे होते हैं हाथ से झेलने वाले, और इसी तरीके से गर्ल्स वगैरह के लिए कढ़ाई किए हुए
कपड़े और ये सब कुछ, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, पर्सेस वगैरह कढ़ाई किए हुए, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल है। इट इन्वॉल्व अलोंग विद द एग्रीकल्चर इनकम टू मेक प्रोडक्ट्स एट देयर होम्स। एग्रीकल्चर से जो इनकम मिलती है फिर वो उसको यूज करते हैं, उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मर्चेंट्स यूज टू प्रोवाइड रॉ मटीरियल्स एंड दिस मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट इन सिटीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड बाय 1870। अब जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ताजे हजरात होते हैं, वो उसको रॉ मटीरियल उनको देते हैं, रॉ मटीरियल से वो फिनिश गुड बनाते हैं। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, इसके बारे में बताया हुआ है कि कब से स्टार्ट हैं, इनकी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि मर्चेंट्स जो उनको देते थे, वो मटेरियल प्रोवाइड करते थे, फिर वो इससे घर पे कुछ छोटी मोटी चीजें बना के उसको अपनी इनकम का उन्होंने जरिया बनाया हुआ था। तो 1870 से ये जो है ना वो स्टार्ट हुआ ये काम।